दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगेगी लगाम। इस बार सर्दियों से पहले ही लागू GRAP, जानिए किन चीजों पर रहेगा बैन। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन। सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो जाता है। इसी को देखते हुए सर्दियों के दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक सेट ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 1 समय से पहले ही लागू हो गया है। आम तौर पर ये अक्टूबर से लागू होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस साल के लिए अपनी संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की शुरुआत की है। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत GRAP 3 में NCR राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा तब होगा जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्टेज गंभीर AQI 401 और 450 के बीच तक पहुंच जाएगा। यानी GRAP 3 के तहत अब NCR से प्रदूषण फैलाने वाली बसों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। CNG, BAS, VI और इलेक्ट्रिक बसों को इसमें छूट रहेगी। इसके अलावा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों या टेम्पो यात्रियों पर भी ये लागू नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है।